Hi guys and welcome to my channel Foodie Nirishita. This is going to be another vlog video. So, आज मेरी जिंदगी में ना एक खुशी की लहर आ गई है. मतलब आई थिंक मेरे को 1.5 साल हो गया यूट्यूब करते हुए और 1.5 साल से मैं पापा को बोली थी कि प्लीज़ एक छोटा सा स्पेस दे दो मुझे जहाँ पे मैं अपना स्टूडियो बना सकूँ. एंड फाइनली जो बजट है वो अभी निकल के आया और मेरे को स्टूडियो मिल रहा है. सो अब इतना सा गेस तो लग ही गया होगा कि दिस इज़ गोइंग टू बी स्टूडियो से रिलेटेड व्लॉग. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. बट बिफोर वी स्टार्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद द फ्रेंड्स एंड फैमिली. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या था ना, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि ऐसा स्टूडियो बनाना है. बस पापा को मैं हम मतलब रोज़ ऐसा बोल के कि पापा प्लीज़ एक छोटा सा स्पेस दे दो मुझे, एक टेबल बनवा दो और ऐसे 3 शेल्फ्स डलवा दो, बस उतने में चल जाएगा मेरा. बिकॉज ऑब्वियसली हम इतने से अभी जो जिस स्टेज पे हूँ मैं यूट्यूब के, तो ज़्यादा बड़ा तो कुछ मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकती. बट मेरे लिए ये भी बहुत है. तो अभी आई विल गो और उस जो स्टूडियो का जो एरिया है ना मैं वो शो करूँगी और उसके बाद उसको भी साथ में हम डेकोरेट करेंगे. एंड मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देते हैं. एंड थोड़े बहुत जितने बहुत फूल वूल जो जितना कुछ भी है ना मेरे पास, मतलब अपने से मैं जितना भी उसमें लगा सकती हूँ वो मैं लगा दूंगी. तो लेट्स जस्ट गो एंड शेयर. और मेरी खुशी तो आप लोगों को दिख ही रही है. तो नाउ लेट्स जस्ट गो. सो ये मेरा जो ट्राईपोड है वो ऑलरेडी आ चुका है. यहाँ पे माउंट कर देंगे फ़ोन. एंड अभी मैंने ये टेबल बनवाया था पापा को बोल के, तो अभी इस पर सामान रखा है और वो पीछे 3 शेल्फ्स है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया. तो ये सब अभी उस पर प्लेस करेंगे और उसको सेट करेंगे. बिकॉज उसमें स्पेस ज्यादा है. सब कुछ मुझे नीचे ही खूब पसंद आ रहा है. ये लिटरली सच्ची बता रही हूँ, ये मेरा ड्रीम था कि ऐसे मैं स्टूडियो बनाऊँ और ये सब करूँ. कितनी क्यूट सी केटल है जो कि मैंने मिनीसो से ली है. एंड फर्स्ट टाइम ही सेरेमिक क्रॉकरी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा बड़ा वाला सेरेमिक फैन हूँ. अभी मेरे पास इतनी नहीं है बट क्या पता धीरे धीरे विद टाइम मैं और इकट्ठी कर ही हूँ ये सब चीज़ें. देन मग्स वग्स अभी नीचे और होंगे तो वो आई विल ब्रिंग. क्या यार पापा, आप मेरी जिंदगी भी घुमा के रख दी है. सो गाइज ये जो भी है ना, मतलब बची बुची चीज़ें वो मेरे हिस्से आ चुकी है. OTG तो चलो ये वाला मैंने अपनी मर्जी से लिया था, ये पुराना माइक्रोवेव ये भी मेरे हिस्से आ चुका है यहाँ पे. मतलब अभी तो दिस ऑल इज़ बंद, कुछ रखा नहीं है मैंने. और ये मैंने बनाया कि यहाँ पे मैं टॉवल एंड ऑल लगा दूँगी और यहाँ पे मैं बॉटल्स रख दूँगी. और नाउ दिस इज़ समथिंग. और वो मुझे वो भी मिल गया, मतलब ड्रीम कैचर को हैंग करने के लिए कुछ.
और ये इसको मतलब मैं चेंज करती रहूंगी, बट फिलहाल के लिए ऐसे मैंने डेकोर कर दिया थोड़ा बहुत। एंड आई थिंक ये वाला जो मग है इसको मुझे ऊपर रख देना चाहिए, सो आई विल डू दैट राइट नाउ एट द मोमेंट। के लिए कहना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा थीम है तेरा, बहुत अच्छा है, मुझे भी काफी अच्छा। प्रेजेंटेशन जो जिस हिसाब से आपकी चॉइस थी आपने अच्छे से मैनेज किया है। पापा यार, पापा को भी ओके, वेलकम, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। दिस इज माय फेवरेट पांडा फ्रॉम मिनीसो। ये ना थोड़ा सा टूट गया है गाइस, और ये फूड इन रिश्ता और ये सब 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 बहुत कुछ है। एंड ये सामने तो घर है मेरा, दिस इज ट्राइपॉड, और यहाँ पे ये सब बता दिया ऑलरेडी। तो अभी तो ना मम्मा चाय वाय पी रहे हैं, तो 5 मिनट के बाद मम्मा भी आएंगे ऊपर, और फिर मैं उनको दिखाऊंगी कि ये जो मैंने थोड़ा बहुत खुद से डेकोरेट किया है ये कैसा लग रहा है, उनका भी एक आइडिया ले लेंगे। सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब आप मेरे को बताओ इधर आगे कि आपको कैसा लग रहा है ये जो मैंने डेकोरेट किया। और क्या कर, तो आप ऑन अ स्केल ऑफ 10 जो मैंने ये अभी इतना सुंदर डेकोरेट किया इसको कितना रेट करोगे? रेट ऑफ 10? 8। दो नंबर क्यों काटे मेरे? क्योंकि अभी और ज्यादा अच्छा हो सकता है ना। तो क्या अच्छा हो सकता है इसमें? कुछ और ऐड करेंगे इसमें तो फिर मेरे को चीजें लेके दो ना, ऐड कर लेंगे। अभी तो स्टार्ट है ना न्यू स्टूडियो। बाय गाइस, मम्मा बाय बोल दो। बाय बाय, आशीर्वाद थोड़ी देर। बाय बाय, सो गाइज ऑल इन ऑल मैंने दिखा दिया जितना भी स्टूडियो का जो भी पार्ट था। आई नो कि ऐसा कुछ बड़ा नहीं है यार, बट तुम समझ सकते हो कि हम लोगों को इतना सा भी घर वाले मान जाए ना तो बहुत ज़्यादा लगता है। एंड वो डेकोरेट करके कुछ ज़्यादा सुंदर हो गया, बिकॉज मेरे घर वालों को इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं, उनको पता ही नहीं था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। एंड अब आई ट्राई कि मैं वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ क्रिएट करूँ, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई फील सुपर हैप्पी, सुपर ग्रेटफुल करेंटली, एंड आई एम फिल्ड विद लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड पापा को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स बोल दिया है मैंने, और या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। एंड ऐसा लग रहा है कि मतलब अभी एक डेढ़ साल हुआ है यूट्यूब को, मतलब अच्छा ही रहा है अभी तक। जैसा अभी जो जर्नी है बहुत सारे रोलर कोस्टर्स रहे हैं, कभी कभी मतलब मूड ख़राब हुआ है, कभी अच्छा हुआ है, कभी हैप्पीनेस भी। बट एक चीज़ कांस्टेंट है कि तुम सब लोगों के साथ मैं हर चीज़ आके शेयर करती हूँ, मतलब आप सब लोगों के साथ, तो विच मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी लाइफ के जितने भी हैप्पी मोमेंट्स हैं ना वो मैं यहाँ पर आके सबके साथ शेयर करूँ। एंड या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जाने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।